नाउ स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5th है, जिसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज 1365, 875 and 1750। तो आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 और रिमाइंडर बचना चाहिए 5 और 8। पहले को डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर और 125 को डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता चल गया कि HCF निकालना है, लेकिन HCF किस नंबर का निकालना है कि हम रिमाइंडर को हटा दें। 70 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5 बच रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, दैट इज 65। अच्छा, 125 में रिमाइंडर कितना बच रहा है? 8, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो गया? 117 117, ठीक है ना? चेक कर लो, यस ठीक है ना। तो अब जो आपको नया नंबर मिला 65 और 170, अब इनका आपको HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है? 65 and 117 का। इसको हम प्राइम फैक्टर से अगर लगाना चाहें तो देखिए, 65 को लिख सकते हैं 5 into 13 और 117 को 3 into 3 into 13। और इसमें HCF कॉमन क्या आएगा? 13 कॉमन आएगा। HCF कितना हो जाएगा? 13। तो ये 13 नंबर से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, किसको? 70 को और 125 को, तो रिमाइंडर ऑलरेडी इतना बच जाएगा, क्योंकि ये तो इन जिन नंबरों का हमने निकाला है वो तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करके इनको निकालेंगे। अब वही नंबर इसमें जोड़ देंगे 5, तो क्या बन जाएगा? 70 बन जाएगा। इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 125 बन जाएगा। और रिमाइंडर कितना बन जाएगा? वही जो जोड़ देंगे। इट मींस हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, दैट इज 13, करेक्ट ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 6 है। यस सर। ए गिवन है, बी गिवन है, HCF ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर हम लोग कॉमन की बात करते हैं HCF के लिए। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर x है, यहां पर भी x है, यहां x क्यूब है, सेकंड में x है, एक में x क्यूब है, दूसरे में x की पावर 1 है, तो कॉमन कितना हुआ? x कॉमन हो, वेरी गुड। इनटू अब y में आ जाइए, y स्क्वायर है, y क्यूब है, कॉमन क्या होगा? y स्क्वायर, कम पावर होगी वो कॉमन होगा, ठीक है? यस, ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो फाइनल क्या बना? x y स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, एक्स वाई गलत है, एक्स वाई स्क्वायर पहले कर गया, इसका मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और समझा कर, ये तो रही बात HCF की, सपोज अगर ये LCM ऑफ ए बी पूछ लेता तो क्या करते? एक्स क्यूब वाई क्यूब। LCM में क्या करते? LCM में मैक्सिमम पावर लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, जो भी कॉमन होगा उसका मैक्सिमम पावर। देखिए एक्स क्या बोला, यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू वाई क्यूब हो जाएगा। अगर एलसीएम पूछता तो हम ये ऑप्शन लिखते हैं, ये क्वेश्चन बदल भी सकता है, एलसीएम की जगह एलसीएम कर सकता है, ऑप्शन ये सही हो जाता है, ठीक है ना? यस सर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है ना? यस। P इक्वल टू ए बी स्क्वायर, Q इक्वल टू ए क्यूब बी, और आपको फाइंड करना है एलसीएम ऑफ ए बी। ऑप्शन आ ही है, ए बी ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी स्क्वायर एंड ए क्यूब बी। तो ये देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। अभी पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ये दोनों कॉमन है तो मैक्सिमम पावर लेंगे ए क्यूब। यहाँ बी कॉमन है, बी स्क्वायर, मैक्सिमम पावर बी स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ठीक है? अब ऑप्शन ढूंढे, ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन हमने कहा नॉन जीरो, जीरो को छोड़ दिया जाता है। नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज,
दोनों का प्रोडक्ट रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रेशनल, रेशनल और इरेशनल या फिर वन होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। पहली बात तो मान लेते हैं रेशनल नंबर 2 ले लेते हैं और इरेशनल नंबर √3 ले लेते हैं और उनका प्रोडक्ट निकालते हैं 2 × √3 दैट इक्वल टू यू विल गेट 2√3। ये तो रेशनल हुआ, ये इरेशनल हुआ, रिजल्ट क्या मिला? ठीक है, तो ये ऑलवेज इरेशनल नंबर ही मिलेगा अगर एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर है तो। लेकिन कंडीशन सही होनी चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, जो कि नॉन जीरो दिया गया है। अगर ये नॉन जीरो वर्ड न दिया होता तो हम लिखते ये वाला ऑप्शन, रेशनल और इरेशनल। अगर नॉन जीरो कंडीशन न लगाया होता तो हम रेशनल भी हो सकता था, इरेशनल। एक केस में रेशनल हो जाता है, क्या है कि हम जीरो एक रेशनल नंबर होता है yes, और √3 जैसे हमने यहाँ लिया था, यहीं लेते हैं √3 एक इरेशनल नंबर होता है और इनका प्रोडक्ट आता है जीरो जो कि हो जाता है रेशनल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर नॉन जीरो लिखा है तब तो ऑप्शन होगा ऑलवेज इरेशनल, लेकिन अगर नॉन जीरो नहीं लिखा द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, तो ये हो जाएगा दोनों रेशनल और इरेशनल, दोनों आ सकते हैं। जीरो होने पे रेशनल आ जाएगा और नॉन जीरो पर इरेशनल आ जाएगा। करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में दो कंडीशन बता दी, तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सबसे छोटा नंबर जो 1 से 10 तक सभी नंबरों से डिविजिबल हो, तो लीस्ट से थोड़ा पता चल जाना चाहिए कि आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम किसका निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इनका एलसीएम निकालना है। कैसे सर इसको निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, यार चार आपने लिख लिया तो 2 लिखने की आवश्यकता नहीं, चार लिख लिया ना जो 4 से डिविजिबल तो 2 से हो ही जाएगा, 9 आपने लिख लिया तो 3 से आपको जरूरत ही नहीं, क्यों? यस सर। और 10 आपने लिख लिया तो 5 की जरूरत नहीं, ठीक है ना, 10 लिख लिया, 9 लिख लिया और 4 लिख लिया। अब बचा 6 और 8। ठीक, अब अगर हम 8 लिख लेते तो 4 की भी जरूरत ना होती, 8 लिख लेते तो 4 की भी, 4 × 8 से डिविजिबल है तो 4 से होगा ही होगा, तो आपको यहां पर इसको भी हटा देते हैं और 8 लिख लेते हैं तो 4 की भी जरूरत नहीं, 8 लिख दिया। अब बचा कौन सा, 6 और 7, ये लिखना पड़ेगा 6 और 7। अब इनका एलसीएम हमको निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो प्राइम फैक्टर्स निकालना सिखा देते हैं। 6 = 2 × 3, 7 = 7 ही रहेगा, 8 = 2 का क्यूब, 9 = 3 का स्क्वायर, 10 = 5 का स्क्वायर, से सीखो। पहले देखो 2 कहां कहां मिला, 1 मिला, 2 मिला और ये मिला, मैक्सिमम पावर क्या है 3 हो गया। अब देखो 3 कहां मिला, यहां मिला, यहां मिला और बस ना, मैक्सिमम पावर कितना है 3 स्क्वायर हो गया। अब बचा क्या सर, 7 बच गया, 7 बच गया और क्या बचा, 5 बच गया। मल्टीप्लाई कर लो 8 × 9 × 35, बताओ 72 × 35 करके बताओ, 2/0 कितना, 2/0 फिर से चेक करो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 2/5 = 2/0 और ऑप्शन कौन सा करेक्ट इसमें है, डी, ऑप्शन डी, दैट इज 2/5 समझ में आया yes, अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से लगाओ, तो मैंने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन से सिखा देते हैं।